सुनो सुनो सुनो, दतिया में आए हुए तमाम अतिथियों का, खिलाड़ियों का और दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। समारोह के मुख्य अतिथि दतिया नरेश पधार रहे हैं। दतिया महाराज जी, 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 दतिया महाराज जी। और आप मऊ रानीपुर ललितपुर मोट के नरेश भी पधार रहे हैं। और अब आप सब नरेश और अतिथिगणों का दतिया नरेश स्वागत करते हैं। महारानी लक्ष्मी बाई की, लड़ाई सरकार एक ऐसा भवंडर है जिसे देखकर बड़े बड़े तूफान थम जाएं। और अब स्वागत करते हैं ओरछा की महारानी लड़ाई सरकार का। ओरछा की महारानी लड़ाई सरकार की, 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 ओरछा की महारानी लड़ाई सरकार की। इस बार ओरछा प्रांत का ध्वज देखकर हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये एक हर्ष का विषय है कि आज पहली बार ओरछा की महारानी लड़ई सरकार बुंदेलखंड के इस वार्षिक महोत्सव पर न केवल पधारी है बल्कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निमंत्रण भी स्वीकार कर चुकी है। हमारे सामने झांसी की अदम्य साहसी महारानी लक्ष्मीबाई पधार चुकी है। और जिन्होंने लगातार 9 बार ध्वज प्रतियोगिता में विजय हासिल की है। लक्ष्मी बाई आई है।
ओरछा की रानी महान है, झांसी के सामने झंडा है। ओरछा की रानी महान है, झांसी के सामने झंडा है। महारानी लक्ष्मीबाई आई है, विजय पताका लाई है। पधारिए महारानी साहिबा पधारिए, आज फिर आपके आगमन से दत्या की यह प्रजा प्रफुल्लित हो बैठी। अपनी प्रजा द्वारा आपका ये भव्य स्वागत देखकर मैं स्तब्ध रह गया। ऐसा आवाज होने लगा है कि पूरा क्रियास्थल झांसी मई हो गया। विश्वास कीजिएगा महारानी साहिबा, हमारी प्रजा भी आपके अदम्य साहस के सामने नतमस्तक। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है दत्या नरेश, परंतु सत्य तो ये है कि हम ही क्या, यदि कोई भी इस संसार में स्नेह बांटेगा तो उसे बदले में स्नेह ही मिलेगा। आप केवल युद्ध एवं क्रीड़ा कौशल में ही नहीं, वाक कौशल में भी पारंगत। यदि मनुष्य अपने अहं के पत्थर को हटाकर अपने हृदय के बंद द्वार को खोल दे तो न केवल अपने जीवन के हर क्षेत्र में पारंगत हो सकता है, बल्कि संसार से शत्रुता को हमेशा हमेशा के लिए मिटा भी सकता है। सत्य कहा आपने, आपके इन्हीं विचारों से हम सब आपके प्रशंसक। और महारानी साहिबा, इस बार फिर आपके यहाँ आ जाने से हम सभी को इस बात का एहसास है कि कोई भी प्रतियोगी आपके सामने टिक नहीं सकेगा। हमें तो पूर्ण विश्वास है इस बार भी ध्वज प्रतियोगिता में झांसी का पताका ही लहराएगा। बस बस बहुत हुआ, आप लोग सब इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं या खेल खत्म होने से पहले ही करारी हार खाने वाले को विजयी घोषित करने आए हैं? क्षमा कीजिए ओरछा महारानी, पिछले 9 वर्षों से आज तक इस ध्वज खेल में झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई को कोई परास्त नहीं कर पाया है। वह इसलिए क्योंकि आज तक ऊंट ने पहाड़ नहीं देखा था। आज आप सबके समक्ष ओरछा की महारानी लड़ाई सरकार इस ध्वज खेल के क्रीड़ा स्थल पर हुकार भर रही है, और आप सब साक्षी होंगे जब इस खेल के अंत में इसी क्रीड़ा स्थल पे ओरछा का ध्वज लहराएगा। बात हार या जीत की नहीं है, यदि यही हार जीत संगठित हो जाए तो इस खेल का ध्वज पूरे हिंदुस्तान पे लहराता नजर आएगा। अवश्य, किंतु ध्वज ओरछा का ही होगा। ध्वज खेल आरंभ किया जाए। प्रतियोगिता आरंभ होने से पहले खेल के बारे में बताना आवश्यक है। प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के हाथों में ध्वज है और उन्हें उस लक्ष्य पर
अपने ध्वज को लगाना है और जो प्रतिनिधि सबसे पहले लक्ष्य पर पहुंचकर अपने ध्वज को वहां फहराएगा वो इस खेल का विजेता घोषित किया जाएगा और शेष राज्य के विजेता राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य में स्वीकार करना होगा। और अब ये प्रतियोगिता आरंभ होती है। रानी लक्ष्मीबाई की, ओरछा की रानी की, रानी लक्ष्मीबाई की, ओरछा की रानी की। We'll be right back.
महारानी साहब कृपया हट छोड़ दीजिए, ये खेल है ऐसे खेल भावना से ही खेलिए। हम सबके शत्रु ये फिरंगी हैं, हमें एक साथ मिलकर इन्हें उनसे मुकाबले के लिए हम सक्षम हैं। विश्वासघाती निवलकर वंश से हाथ मिलाने से पहले हम अपने हाथ न काट दें। इसी वंश ने झांसी को ओरछा से अलग किया और स्वयं को झांसी का नरेश घोषित कर दिया। अरे दोनों कहाँ चली गई? आपने गौस खान के साथ साथ झांसी की निर्दोष प्रजा को भी बंदी बना लिया, झांसी की निर्दोष प्रजा को मार रही हैं। ऐसे आप झांसी के साथ प्रतिशोध नहीं फिरंगियों की कामना पूर्ति कर रही हैं। महारानी साहब लौटा देंगे हम उसे, किंतु एक शर्त है, हमारी झांसी हमें वापस लौटा दो। हे देवा, ये आपके बोल नहीं, इन फिरंगियों के बोल हैं। वो तो यही चाहते हैं कि हम आपस में लड़ मर जाएं। कानूनी व्यवस्था का हवाला देकर पूना सतारा के साथ साथ झांसी भी हड़प लेना चाहते हैं। हम पर विश्वास कीजिए महारानी साहब, उनकी बुरी दृष्टि केवल हमारी झांसी पर ही नहीं आपकी ओरछा पर भी है। समझ गया क्या कहना है? जाओ। सेनापति जी, सेनापति जी, बुरा समाचार है। क्या हुआ? हमारी महारानी साहिब को गहरी चोट लगी है और ओरछा की महारानी ने उन्हें अपहरण करके बंदी बना लिया है। क्या? लड़ाई सरकार, इस समय आपके समक्ष महारानी नहीं धरती माँ की मतवाली संगठित होने के लिए भीख मांग रही है। आज पूरे देश भर में त्राही त्राही मची हुई है महारानी सरकार। आजादी के मतवाले अपनी धरती माँ के लिए अपने स्तरों का न्योछावर कर रहे हैं। महारानी सरकार, क्या ये संभव नहीं कि हम अपने आपसी मतभेद भूलकर एकजुट होकर इन फिरंगियों का मुकाबला करें? सोचिए महारानी सरकार, सोचिए, सोचिए इस बारे में। सचमुच बोलने में तुम बहुत निपुण हो, किंतु भावनाओं से ओतप्रोत शब्द हमें प्रभावित नहीं करते। तुम्हें लगता है हम अपनी सेना तुम्हें यूं ही सौंप देंगे? हमारे योद्धाओं से बड़े बड़ों के हाथ पैर कांपते हैं, शायद तुम्हें भी उनसे डर है। लक्ष्मीबाई, गौस खान तो क्या, झांसी से उड़कर आया पक्षी भी हम कभी नहीं लौटाएंगे। यह अहंकार है महारानी संकार, और अहंकार तो ना रावण का रहा ना दुर्योधन का। जिसे तुम अहंकार कहती हो वो हमारा आत्मविश्वास है। इस प्रतियोगिता में भाग लेना सिर्फ एक बहाना था, वास्तव में हम तुमसे ये कहने आए थे कि हम हमारी झांसी तुमसे वापस छीन लेंगे। लक्ष्मीबाई, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, अंतिम समय।